जय हिंद बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो हाजिर हूं झांसी की कुछ अहम खबरों के साथ। झांसी में राष्ट्रीय किसान मोर्चा का 7 दिवसीय धरना प्रदर्शन 11 जनवरी 2021 से लगातार जनपद झांसी के गांधी उद्यान कचहरी चौराहा के पास चल रहा था, जो कि आज 17 जनवरी 2021 को प्रदर्शन रैली के साथ कार्यकर्ता पदाधिकारी एवं सैकड़ों समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में मांग किया गया कि तीनों कृषि कानून वापस किए जाएं। अगर सरकार कानून वापस नहीं करती तो पूरे देश भर में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उन किसान आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी माननीय राम सुरेश वर्मा एवं राष्ट्रीय संरक्षक माननीय वामन मेश्राम साहब नई दिल्ली के आह्वान पर 11 जनवरी से 17 जनवरी तक 7 दिवसीय धरना का आह्वान भारत के 550 जिले में किया गया था। धरना प्रदर्शन 3 कृषि कानून को वापस कराने की मांग को लेकर किया गया था। कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय किसान मोर्चा के जिला प्रभारी एडवोकेट अशोक वर्मा, लक्ष्मी नारायण सौदे, कुंज बिहारी यादव, रोहित बौद्ध, दिलीप पांचल, विक्रम सिंह, ज्योति अहिरवार, प्रमोद अहिरवार एवं सैकड़ों कार्यकर्ता समर्थक मौजूद रहे। झांसी से संवाददाता मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। ये धरना प्रदर्शन जो भारत सरकार ने जो 3 किसानों के विरोध में 3 कानून पास किए हैं, उन कानून को वापस लेने के संबंध में और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पर, उनके समर्थन में हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, ये कब तक चलेगा? ये आज 7वां दिन है, आज का समापन है। हम ज्ञाताय से इसको कर रहे हैं 11 जनवरी से 17 जनवरी तक का हमने अल्टीमेटम दिया था। यदि अब भी उन्होंने अगर सरकार ने नहीं सुनी हमारी बात को, तो हम आने वाले समय में जेल भरो आंदोलन पूरे देश भर में 550 जिलों में करेंगे। सर, आपका नाम? मैं सईद सुल्तानी, राष्ट्रीय मंडल प्रभारी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, और मैं ये 3 कानून जो सरकार ने बनाए हैं किसान विरोधी, उनका विरोध करता हूं। और किसानों के फेवर में हम राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे के तमाम संगठन की वजह से सपोर्ट करता हूं। और अगर ये कानून वापस नहीं लिए गए तो इसके आगे भी 11 तारीख 17 तक का अभी आंदोलन किया है, धरना प्रदर्शन किया है, आगे भी आंदोलन होता रहेगा।